आंगनबाड़ी बहनों, यह कहना गलत नहीं होगा कि पैसे वालों को और पैसे वाला कर रही है सरकार और गरीबों को और गरीब कर रही है सरकार, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। एक ऐसा आदेश आया है जिसे आपको दिखाना चाहेंगे। आप सब बहनें जो चुनाव ड्यूटी में कार्य करती हैं, आप सबके लिए जानना ये बहुत ही जरूरी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चुनाव ड्यूटी में कार्य करते हैं, उनको 1 महीने का अतिरिक्त बोनस के रूप में मानदेय मिलेगा या वेतन मिलेगा। अब ऐसे में आपको बता दें, लेकिन ये पैसा आंगनबाड़ी बहनों को नहीं मिल सकेगा। यानी जिन्हें जरूरत है, जिनको मिलना चाहिए, उनको ना दे करके ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जिनकी सैलरी पहले से ही इतनी ज्यादा है। हम आपको अभी यहां पर एक आदेश दिखाएंगे। ये उत्तर प्रदेश का ही मामला है। 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश में नवदीप रिड़वा हैं, प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक लेटर लिखा है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के श्रम साध्य कार्यों के लिए मानदेय की स्वीकृति के संबंध में यहां पर एक लेटर है। अभी हम इसमें बताएंगे कौन कौन से वो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनको 1 महीने का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अब जिसकी जितनी सैलरी उसको उतना ही ज्यादा बोनस। जैसे समझ लीजिएगा, यहां पर लिखा गया चुनाव ड्यूटी करने वालों को मिलेगा 1 महीने का अतिरिक्त वेतन। शासन ने जारी किया आदेश, 11 करोड़ 54 लाख रुपया इसमें खर्च होगा। 2217 राज्य कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ। चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारी अधिकारी को 1 महीने के मूल वेतन के बराबर अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। प्रमुख सचिव निर्वाचन नवदीप रिड़वा ने जारी किया आदेश, सभी 75 जिला निर्वाचन अधिकारी को 1,20,000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि उनकी सैलरी ही इतनी होगी। रिटर्निंग ऑफिसर को 60,000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि उनकी सैलरी इतनी है। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को 50,000 मिलेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में तैनात नियमित जो अफसर हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी 1 महीने का पूरा पूरा वेतन एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी अतिरिक्त मिलेगा। अब आप सब समझ सकते हैं, यहां पर आंगनबाड़ी बहनें भी चुनाव में कार्य करती हैं। इन्हें काम निकालने के लिए प्रशासन विभाग बूथ लेवल ऑफिसर बना देता है। ये कहने के लिए नाम जितना बड़ा है बूथ लेवल ऑफिसर, लेकिन उसका अगर देखा जाए धरातल पर, तो मिलने वाली सुविधाओं को अगर उनको देखें तो वो फिसड्डी हैं, क्योंकि यही बूथ लेवल ऑफिसर केवल काम करने के लिए हैं। चुनाव के दौरान फट्टा बिछा करके सारा काम करने के लिए हैं, लेकिन जब बात आए यहाँ पर लाभ पाने की, तो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारियों के लिए बोनस दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो छोटे कर्मचारी हैं, जिन पर पूरा काम जो है निर्वाचन जैसे कामों का रहता है। अब आप सोचो, कोई पूरा सर्वे क्षेत्र संभाले बूथ लेवल ऑफिसर भी लो, उसको बोनस के रूप में कुछ नहीं मिल रहा। उसके लिए पैसा बढ़ाया जाए, जिसको लेकर 2022 में प्रस्ताव अभिमत मांगे गए थे, अभिमत प्रस्ताव, उस पर विचार तक नहीं किए गए, उसको बढ़ाया नहीं गया। उनके लिए 1,000 रुपया महीना मेहनताने के लिए बोला गया था, लेटर आया था, जिस पर अधिकारियों ने जिले के चुप्पी साध रखी। लेकिन यहां पर खुद के लिए देखिए, न कोई अभिमत प्रस्ताव आए, न कुछ आया, सीधा पैसा मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा, आदेश ही निकल आए। यानी उच्च वर्ग के लोग स्वयं के लिए अगर देखा जाए, तो इनके लिए कोई मानक, कोई भी चीजें उस तरह से कार्य नहीं करती जैसे आम जनता या कर्मचारी के लिए करती हैं। यानी इनके लिए पूछेंगे, बताएंगे, ठीक होगा तो करेंगे, खुद के लिए अच्छा होगा, नेता के लिए, बड़े अधिकारी के लिए तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो स्वयं सब कर लेंगे। और उसी का एक जीता जाता उदाहरण है, आंगनबाड़ी बहन बूथ लेवल ऑफिसर है। उनका कहना है, हमेशा बहनों ने भी जो है इलेक्शन में ड्यूटी किया, मेहनत की, पर हमारे लिए कुछ नहीं। अब बताओ, बीएलओ जैसे लोगों के लिए इसमें कोई जगह नहीं। अब यहां पर ये देखिएगा, पूरा का पूरा आदेश आपको दिखाते हैं, एक ये कड़वी सच्चाई स्वरूप जानकारी है। 29 मार्च 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। कौन सा संदर्भ, यहां पर समझ लीजिएगा। यहां पर बताया जा रहा है 25 अगस्त को और दो एक दो लेटर आए हैं इससे संबंधित। साथ ही बोला गया है कि सामान्य निर्वाचन 2022 के श्रम साध्य कार्य के लिए 1 महीने का मूल वेतन के समतुल्य मानदेय की स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।
इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश है, सम्यक विचारों उपरांत आपके उक्त संदर्भित पत्रों के तालिका भाग आ में उल्लिखित विधानसभा सामान 2022 के श्रमसाध्य कार्य में जुड़े कार्मिकों तथा निर्वाचन अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारी कर्मचारी, उनको उनकी वरिष्ठता एवं उनके द्वारा निर्वहन किए गए दायित्वों के अनुसार एक माह के मूल वेतन के समतुल्य मानदेय, जिसकी कुल अनुमानित लागत यहाँ पर लिखी गई है 11,53,00,000 और जो 99,100 रुपये है, ये आगणित की गई है, जो जिसको लेकर निम्नानुसार स्वीकृति किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय शहर से स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो राज्यपाल जी ने इनको स्वीकृति दे दी, समझ रहे, इनको स्वीकृति दे दी, और इसमें है कौन कौन वो भी समझिएगा। समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, एक माह का मूल वेतन 1,20,000 रुपये, आप देखिए यहाँ पर साफ लिखा भी गया है। अनुमानित संख्या इनकी 75 है, जिले वाइज हिसाब से अगर देखा जाए जिला निर्वाचन अधिकारी हर जनपद में एक होगा तब इतने, अन्यथा इससे कम ही होंगे, हो सकता है कहीं कहीं जो है वो उस टाइप से हो, यानी प्रभार पर चल रहे हों। अब अनुमानित व्यय यहां पर इनके लिए जो 75 मान लीजिएगा कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं इनको 1,20,000 के हिसाब से अगर दिया जाएगा तो इनके ऊपर खर्च होने वाला जो धनराशि है वो यहां पर ये दर्शा दिया गया। समस्त रिटर्निंग ऑफिसर, इनका एक महीने का पैसा 60,000 महीना मिलता है, 403 इनकी संख्या है, तो 403 लोगों को 60,000 के हिसाब से मिलेगा। समस्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, इनका एक माह का मूल वेतन 50,000 रुपये दर्शाया गया है, इनकी जो तादाद है, संख्या है, वो 925 है, तो 925 इन लोगों को 50,000 रुपया एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। बताइए जिनकी सैलरी 50,000, 60,000, 1,20,000, इन लोगों को एक्स्ट्रा बोनस बांटे जा रहे हैं, और वहीं जो छोटे कर्मचारी 5,000, 4,000 पर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं विभागीय कार्यों के लिए निचले पायदान पर रिपोर्ट तैयार करते हैं, पूरा सर्वे करते हैं, उसके बाद वो शासन में बैठे इन्हीं अधिकारियों को पहुंचाते हैं, और यही अधिकारी फिर उन कामों को लेकर के इनके लिए उस मेहनताने को शासन में बैठे लोग समझते हैं और उनको बोनस बांट रहे हैं। निचले पायदान के कर्मचारी चिल्लाते रह जाते हैं, सड़कों पर आए दिन प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। इधर बात करें विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दौरान कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ में कार्यरत समस्त नियमित अधिकारी, नियमित कर्मचारी, इनको भी पैसा मिलेगा। इनका यहां पर पैसा डिस्क्राइब नहीं किया गया कितना इनको मिलता है, लेकिन इनकी संख्या लगभग 58 दर्शाई गई है, तो इनके लिए भी काफी लंबी चौड़ी धनराशि है। निर्वाचन अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के जो नियमित अधिकारी, नियमित कर्मचारी हैं, उनके लिए सुनिएगा, अनुसचिव जो है इनको 86,000 रुपये महीना मिलता है, दो लोग हैं, इन लोगों को दोनों लोगों को मिलेगा। निजी सचिव, अपर निजी सचिव लगे हैं निर्वाचन के लिए, इनका 83,000 रुपया सैलरी है, दो लोग हैं, इनको भी मिलेगा। निजी सचिव, अपर निजी सचिव, विशेष सचिव निर्वाचन क्षेत्र में लगे हैं, 83,000, दो लोग हैं, इनको भी मिलेगा। अपर निजी सचिव, संयुक्त सचिव निर्वाचन क्षेत्र में लगे हैं, 55,000 सैलरी है, एक लोग हैं, इनको मिलेगा। अनुभागीय अधिकारी हैं 83,000, इनको एक को मिलेगा। समीक्षा अधिकारी हैं, तीन लोग हैं जो कार्य में लगे हैं, 58,000 इनकी सैलरी है, तीनों लोगों को ये 58,000 के हिसाब से मिलेगा। सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, एक इनकी संख्या है, 52,000 इनकी सैलरी है, इनको भी बोनस मिलेगा। कंप्यूटर सहायक नियमित वाले हैं जो जिनकी संख्या एक है, 35,000 रुपये सैलरी है, इनको भी एक माह का मिलेगा। वरिष्ठ अनुसेवक हैं, एक संख्या इनकी है, 43,000 सैलरी है, इनको भी मिलेगा। अनुसेवक हैं, नियमित हैं, एक संख्या इनकी दर्शाई गई और 41,000 सैलरी है, इनको भी मिलेगा। वहीं बात करें जिला निर्वाचन कार्यालय के समस्त नियमित अधिकारी और नियमित कर्मचारी, इनको भी मिलेगा। इनमें कौन है, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश, जिसमें 75 संख्या है इनकी, यानी हर जनपद के एक तकरीबन मान के चलिए 90,000 सैलरी है, इन सबको मिलेगा, 75 लोगों को 90,000। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, 31 संख्या है इनकी और 55,000 सैलरी है, इन सबको मिलेगा। प्रधान सहायक, सैलरी 55,000 है, 66 लोग हैं, सबको मिलेगा। वरिष्ठ सहायक, 50,000 सैलरी है, 204 इन लोगों की संख्या है, सबको मिलेगा। कनिष्ठ सहायक, 25,000 सैलरी है, 87 इनकी टोटल संख्या है, सबको मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियमित वाले, 20,000 सैलरी है, 53 लोग हैं, टोटल सबको मिलेगा। स्टेनो है नियमित वाले और प्रति जिलाधिकारी कार्यालय, इनकी सैलरी 25,000 है, 150 इनकी तादाद है, कामों में लगे हैं निर्वाचन के, इनको भी मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियमित, एक प्रति जिला जो है जिलाधिकारी कार्यालय, इनकी सैलरी 20,000 है, 75 जो इनकी तादाद है, हर क्योंकि ये जिला
अधिकारी कार्यालय में तैनात है, 20,000 सैलरी है, 75 इनकी टोटल संख्या है और जनपद वाइज एक के हिसाब से, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिएगा ये 2217 टोटल ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी अगर आप देखें तो 20,000 से सबकी ऊपर ही है, यहां तक कि कुछ का तो 1,20,000 तक है। अब आप अंदाजा लगा लो इन सबको बोनस बांटे जा रहे हैं, लेकिन निर्वाचन कार्य में जो सबसे निचले पायदान पर बेलो वर्कर हैं इनके मेहनताने के लिए वृद्धि के लिए इसमें कोई जगह नहीं है, इनको एक महीने का बोनस का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि होना चाहिए। क्या निर्वाचन आयोग केवल बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ के रूप में जो भी चाहे वो शिक्षक लगे हो, शिक्षा मित्र लगे हो, अनुदेशक लगे हो, आंगनबाड़ी लगी हो या अन्य सफाई कर्मी हो, रोजगार सेवक हो, कोई भी हो, क्या ये लोग हकदार नहीं है एक्स्ट्रा एक महीने के बोनस के? चूंकि ये लोग अपना ड्यूटी करते हैं जो उनका मूल कार्य है, उसके अलावा खाली टाइम में बीएलओ जैसे कार्यों को भी वो रात दिन करते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिएगा वो ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत भरा, उनके लिए यहां पर इन चीजों में जगह नहीं है। कैसे लोग हैं शासन में जो अपने लिए बैठ करके सबके लिए मलाई बांट रहे हैं और नीचे वाली जनता इन सब चीजों को बस मुंह ताकती रह जाती है। वहीं जब इन्हीं जनपद के बड़े अधिकारियों से जिनकी सैलरी काफी ज्यादा है, जब इनसे अभिमत प्रस्ताव मांगे गए थे 2022 में कि बीएलओ का जो है मेहनताना बढ़ाया जाए और जो बीएलओ सुपरवाइजर होते हैं उनका मेहनताना बढ़ाया जाए, तो उस पर सहमति नहीं जता पाए जनपद के अधिकारी, लेकिन स्वयं को मलाई मिल जाए, खाने के लिए मिल जाए, तो ये ना नहीं कर पाए और यहां पर राज्यपाल ने इनको स्वीकृतियां दे दी। लेकिन उन बीएलओ और उन सुपरवाइजरों को लेकर के आज भी बीएलओ को 500 रुपया महीना यानी साल का बस 6,000 ही मिलता है, क्योंकि 2015 से ये चीजें बराबर मिल रही हैं। आप बताइए इतने साल बीत गए हैं, क्या इनके मेहनताने में वृद्धि नहीं होनी चाहिए? अब तो तमाम तरह के ऐपों पर कार्य कराए जाते हैं, तो बीएलओ वर्कर के मेहनताने में वृद्धि की जाए जो जरूरी है, लेकिन वो ना करके शासन में बैठे उच्च सैलरी वाले जो उच्च तबके के लोग हैं उनके लिए किस तरह से यहां पर ये चीजें बांटी जा रही हैं। मैं इनको जिनको मिला है उनसे निराश नहीं हूं, मैं इन नीतियों से निराश हूं कि गरीबों के लिए या जो निचले पायदान पर वर्कर लगे हैं उनके लिए आप इतना वो करते हैं कि अभिमत प्रस्ताव मांगते हैं 2022 में और आज 2024 तक आप उसको वृद्धि नहीं कर पाए, दे नहीं पाए, उनको 500 महीना दे रहे हैं, महीने भर पूरा कार्य ले रहे हैं। और वहीं आप सोचो महीने भर पूरा कार्य ले रहे हैं बीएलओ का, एक दिन का एक इंसान का दिहाड़ी एक वर्कर का या किसी भी तरह के मजदूर का वो भी 400-500 रुपया होता है। अब आप बताओ बीएलओ वर्कर क्या महीने में एक ही दिन कार्य करेंगे? महीने में न जाने कितने दिन करेंगे, बूथ पर भी बैठेंगे संडे संडे, उसके अलावा न जाने कितनी बार कार्यालयों के चक्कर काटते रह जाते हैं, सर्वे क्षेत्र में घूमते हैं, जिसका मोल केवल 500 रुपये पूरे महीने भर की मेहनताने के स्वरूप, जो कि कम है। इसीलिए तो वहां पर 1,000 महीने के हिसाब से देने के लिए कहा गया था, प्रस्ताव आए थे 22 में, लेकिन सहमतियां नहीं दे पाए अधिकारी जनपद के। खुद के लिए सब मिल रहा है तो सब बटोर रहे हैं, यही आज का एक कड़वा सच है। मैं आपको इस वीडियो को बस यहीं तक रखना चाहूंगा और कल सुबह आप लोगों के लिए और खबरें दिखा